सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार स्टूडेंट्स, दिस इज रितु चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू परिष्कार। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम एंड परिष्कार इज हियर विद इट्स ऑनलाइन क्लासेस फॉर यू सो दैट योर स्टडी शुड नॉट बी हैम्पर्ड। यस स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ बीए फर्स्ट ईयर, दैट इज अ वेरी फेमस पोएम द लोटस रिटन बाय वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडियन पोएटिस Toru Dutt. I hope you all are ready for it. Yes? Fine. So before starting the class, I hope you all have subscribed our YouTube channel Parishkar World. And if not, then do subscribe it. Fine. And don't forget to press the bell icon so that you can get all the future updates. And after watching the video, if you really like it, then don't forget to share it with your friends and relatives. So first of all, before starting the class, let's have a look at the Rajasthan University syllabus. Fine. So this poem, it is in our BA first year first paper of English literature, that is named as Poetry and Drama, and which is having three sections. And this poem is from the section B, Indian Poetry. And as the very name suggests, Toru Dutt, she was an Indian poetess. Fine. So she belongs to Indian poetry. So this poem is from section B, Indian poetry. And rest of the sections, we are going to discuss it later on when we will be having PPTs on the other topics. Fine. So let's begin with our first topic of first paper, Poetry and Drama, section B, Indian Poetry, The Lotus Written by Toru Dutt. And before starting the topic, let's have a look at university exam pattern. And from this poem, we can have either reference to the context, short questions or long questions. Rajasthan University ke syllabus ke andar aap logon ko ye aapke first paper jiska naam hai Poetry and Drama ke first jo hamare section hai section B, उसके अंदर आपको ये पोएम मिलेगी और इस पोएम के अंदर से आपको तीन तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जहां पे आपको पोएम की कुछ लाइंस दी जाएंगी और आपको उन्हें एक्सप्लेन करके लिखना है। उसका प्रोसीजर क्या रहेगा वो सब भी हम आज पढ़ने वाले हैं। फाइन। और उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो चार नंबर के आते हैं। आउट ऑफ 10 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे बेस्ड होते हैं। ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, वो सब भी हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फाइन। तो आप घबराएं नहीं, पहले हम पोएम पढ़ेंगे और पोएम को पढ़ने के बाद हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द पोएम। यस, okay, fine. So as we all know that before starting a poem, we should be aware about the poet or poetess who has written the poem. Hame pehle se pata hona chahiye kis poem ko likhne wala aakhir hai kaun. So chaliye jante hain Toru Dutt ke bare mein. As the picture suggests, she was a most beautiful personality, beautiful soul. Bahut hi khoobsurat pratibhashali vyaktitva ki dhani thi Toru Dutt. तो चलिए तोरु दत्त के बारे में जानते हैं। शी वॉज फेमस एज डॉटर ऑफ बंगाल। इनफॉर्मली इन्हें बंगाल की बेटी के नाम से ये प्रसिद्ध थी, बंगाल की रहने वाली थी। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी के बारे में। छोटी सी कहानी आज हम सुनने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें तो शी वॉज बॉर्न इन एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। फाइन। एक बहुत ही कुलीन परिवार से ये बिलोंग करती थी और इस फैमिली की, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी। तो समवेयर द फैमिली वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विद द लर्निंग्स। लर्नेड लोग थे यहाँ के, बहुत ही विद्वान लोगों के परिवार में पैदा हुई। इनके फादर जो थे ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट राइटर। इनकी मदर जो थी शी वॉज अ लिटरेरी पर्सन। लिटरेचर में उनका इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा था। इनके अंकल जो थे वो भी बुक्स लिखते थे। तो समवेयर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एरिस्टोक्रेटिक फैमिली शी नेचुरली हैड अ लिटरेरी लीनिंग। इनका झुकाव अपने आप ही, इनकी आप कह लीजिए इनकी
डीएनए में था, इनकी रगों में ही ऐसा था कि लिटरेचर के प्रति इनका झुकाव रहा. सो इसीलिए इनकी जो फैमिली थी इट वॉज बेसिकली अ फैमिली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स. ओके नाउ हर लाइफ वॉज दो शी बिलोंग टू एरिस्टोक्रेटिक फैमिली बट हर लाइफ वॉज नॉट दैट स्मूथ. फाइन देयर वॉज अ ट्विस्ट, देयर वॉज अ ट्रेजेडी इन द स्टोरी. अब कहानी में कुछ ट्विस्ट है, कुछ ट्रेजेडी है, चलिए जानते हैं. सो तोरू दत्त शी वॉज हैविंग अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. फाइन इन ये तीन भाई बहन थे. ओके सो What happened at the age of 14 years in 1865? Fine. Her brother Abju expired. इनके जो भाई थे उनकी 14 years की एज में, बहुत कम एज में ही उनका देहांत हो गया. And because of this tragedy affected the family too much. And then her father decided to shift to यूरोप. फाइन इस ट्रेजेडी की वजह से इनका मन नहीं लगा यहाँ पे एंड फादर ने डिसीजन लिया कि ये लोग 1869 में दे शिफ्टेड टू फ्रांस. फ्रांस से फिर ये गए पेरिस, फिर इटली एंड देन लंडन. इनके फादर के दिमाग में कहीं ना कहीं था कि इतनी टैलेंटेड मेरी बच्चियां हैं, दो बेटियां ही उनकी बची थी, तो इन्हें लगा कि मुझे इन्हें एक अच्छा एक्सपोजर दिलाना चाहिए ताकि ये दुनिया भर का लिटरेचर को जान सके. और यही रीजन था कि फादर जो थे उन्होंने बंगाल छोड़ा और ये चले गए फ्रांस, इटली, लंदन, कई जगह की इनकी यात्राएं रही. बट इन 1873 ड्यू टू हेल्थ इश्यूज दे हैड टू रिटर्न टू कलकत्ता. लेकिन बेटियों की जो हालत थी बहुत ही नाजुक हो गई, हेल्थ जो थी ठीक नहीं रही एंड अल्टीमेटली दे हैव टू रिटर्न टू कलकत्ता. वापस से ये लोग अपने घर आ गए. अब देखिए इसके बाद इन द ट्रेजेडी कंटिन्यूड. अभी ट्रेजेडी खत्म नहीं हुई. अपने भाई को खोने के बाद देखिए क्या हुआ. इन 1874 हर 23 ईयर ओल्ड सिस्टर आरू एक्सपायर्ड. अर्लियर शी लॉस्ट हर 14 ईयर्स ओल्ड ब्रदर एंड देन द ओनली सिबलिंग लेफ्ट वॉज आरू. इनकी ब्रदर, इनकी सिस्टर थी आरू एंड शी एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 23 ईयर्स. My God, you can feel what tragedy this little soul was bearing. इनके सोचे आप दिलो दिमाग पे क्या असर रहा होगा. Then Toru Dutt was the youngest of all, सबसे छोटी थी यही बच्ची. And after left alone, she made herself busy in books. But जैसा कि हम जानते हैं अगर कुछ गलत भी होता है तो उसके साथ कुछ अच्छी बात भी हमारे सामने आती है. And being alone, Toru Dutt dedicated herself more to studies. क्योंकि अकेली रह गई तो इन्होंने अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए बुक्स में अपने आप को समर्पित कर दिया. एंड देन शी प्रोड्यूस्ड एन इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ पोएट्री एंड प्रोज. और उसी के बाद ही क्या हुआ, इन्होंने बहुत ही शानदार अपने कलेक्शन जो थे पोएट्री के वो निकाले. एंड बट The tragedy is still continuing. On 30th August 1877, Toru Dutt expired at the age of 21 years only. Fine, can you believe this? At the age of 21 only, this girl Toru Dutt too expired. इनकी भी वहां पे डेथ हो गई because of her ill health. तो आप देख सकते हैं कितनी सी एज में, सोचिए 21 साल की एज में इतना शानदार काम कर गई. अगर और जी जाती तो सोचिए आप क्या नायाब चीजें लिख के जाती. ओके सो लेट्स नो अबाउट दिस मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी. इनके बारे में हम जान लेते हैं. ये एक पोएटिस थी, ये तो हमें पता ही है. एसेइस्ट भी थी, इन्होंने बहुत एसेज भी लिखे हैं. एंड शी वॉज अ ट्रांसलेटर ऑल्सो. फाइन अलग अलग जगह जाने का यही तो फायदा मिला कि शी वॉज knowing so many languages, Bengali, English, French, Sanskrit, इन सब की बहुत ही अच्छी गहरी नॉलेज इनको थी. इसीलिए इनको multilingual, मतलब polyglot भी कहा गया है. तो देखिए आप इनकी खूबियां. Okay, so what made her writing style unique? Now, what is unique in Toru Dutt? हम Toru Dutt को क्यों पढ़े, उनकी राइटिंग में ऐसा क्या अलग है जो उन्हें सबसे अलग हटके बनाता है, तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं. अगर हम Toru Dutt की बात करें तो she was a transitional figure, बदलाव लाने वाली थी. She was a person who brought changes in literature. Fine, अब देखिए कैसे आया literature में, क्योंकि because she had to travel to different places, so she was aware of different cultures also. और जब अलग अलग जगह की cultures के बारे में उन्होंने गहरा पढ़ा, काफी अच्छे से पढ़ा, तो उन्हें समझ में आने लगा कि yes,
क्या क्या चीजें हैं इस कल्चर में, फाइन, और इसका असर उनकी लर्निंग्स पे भी हुआ. सो शी वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन लिटरेरी हिस्ट्री. अगर इनकी बात करें तो इनकी जो भी आप पोएम अभी पढ़ेंगे, फाइन, आपके कोर्स में दो पोएम्स हैं, उनमें भी आप जानेंगे कि इनकी खासियत जो थी वो क्या थी. एक सिंगल स्टोरी, एक सिंगल सेटिंग या सिंगल लैंडस्केप को लेने के बाद में वो उसे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ में डिस्कस करती थी. मीन्स हर पोएट्री वॉज नॉट अ पोएट्री ऑफ नेचर और रोमेंस ओनली, बट हाउ नेचर इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन एग्जिस्टेंस. काफी डीप इनकी पोएट्री थी, थॉट प्रोवोकिंग इनकी पोएट्री थी, जो आपको पॉन्डर करने के लिए मजबूर कर दे, ऐसी पोएट्रीज इनकी थी. इसके अलावा इनकी राइटिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो समवेयर हर पोएम्स, देर आर लॉट ऑफ पोएम्स लाइक सीता, लक्ष्मण, फाइन, दीज वर द पोएम्स विच वर बेस्ड ऑन इंडियन माइथोलॉजीज. भारत की जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, महाभारत, रामायण, इनमें से इन्होंने टॉपिक्स लिए. एंड देन हर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एनकाउंटर विद डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स इन कोलोनियल इंडिया. लाइक एज वी ऑल नो दैट इंग्लिश इज नॉट इंडियन लैंग्वेज, फाइन. It came along with the Britishers when the Britishers came to India to establish their colonies, you know, for the trade. So at that time, English was also introduced in India. हम सब जानते हैं, Lord Macaulay की नीति भी हमें पता है कि India में English को क्यों introduce किया गया. तो उस समय की जो वहां से इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री इंडिया में स्टार्ट होती है, फाइन. तो कहीं ना कहीं तोरुदत्त वॉज द पायनियर पोएटिस और पायनियर फिगर अमंग दोज राइटर्स हु हैड स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश. ये इंग्लिश लिटरेचर की एक तरह से जनक मानी जाती हैं इंडिया के रेफरेंस में, फाइन. तो इन्होंने इंडियन और यूरोपियन कल्चर को बहुत अच्छे से देखा, क्रिश्चियनिटी और हिंदू कल्चर को भी बहुत अच्छे से देखा, और इसीलिए इनकी जो पोएम्स हैं उनके अंदर एक ब्लेंड आपको मिलेगा ईस्ट एंड वेस्ट का, फाइन. तो देखिए लिंकिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट इसमें नजर आएगा. डीप रोमांटिक इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप ऑफ मैनकाइंड विद द नेचुरल वर्ल्ड. ह्यूमन बीइंग्स का नेचर के साथ क्या रिलेशन है, ये इनकी पोइट्रीज में आपको देखने को मिलेगा. देन द थीम ऑफ लॉस, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ में ये चीजें रही. ग्रोथ, अपने आप को कैसे ग्रो करना है. सेल्फ डिस्कवरी, व्हाई डू यू एग्जिस्ट, है ना, अपने आप से पूछना. एंड देन डीप रिफ्लेक्शंस, ऑल थ्रू नेचर हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन हर पोइट्री. So there are some amazing facts about Torudutt. Let's have a look. हम पढ़ चुके हैं, एक बार आप देख लीजिए शॉर्ट में. She was an important writer of colonial India. Colonial writers की अगर हम बात करें तो वो लोग थे जो colonies के दौरान जो writers बने, fine. तो ये वो लोग हैं, those who wrote during the time of colonies established by Britishers in India, fine. The earliest Indian writer की अगर हम बात करें तो यही थी वो, who wrote at a time when there was no such category as Indian writings in English, fine. तो जब आप अपने syllabus को देखते हैं और आप वहां पे paper first में section B देखते हैं Indian writings, तो आप ये समझ लीजिए कि ये तोरुदत्त ही थी जिन्होंने इनकी शुरुआत करी, जहां से Indian writing जैसा कोई title भी आने लगा. तो एन इमॉर्टल पोएट, हालांकि बहुत कम एज में एक्सपायर हो गए, ओनली एट द एज ऑफ 21, लेकिन फिर भी अमर हैं ये अपनी पोएम्स के जरिए. शी वॉज वन ऑफ द फेमस एंग्लो इंडियन पोएटिस. फेमस एंग्लो इंडियन, हु आर एंग्लो इंडियन. एंग्लो मीन्स इंग्लिश, इंडियन हम सब जानते हैं. सो दोज इंडियन राइटर्स हु यूज टू राइट इन इंग्लिश, भारत के वो हमारे राइटर्स जो कि इंग्लिश में लिखते हैं, हम उन्हें एंग्लो इंडियन की कैटेगरी में रखते हैं. तो ये उन्हीं में से एक है. मोस्ट ऑफ आवर पोएम्स हैव एन इंडियन थीम एंड इंडियन बैकग्राउंड. एंड व्हाइल यू विल रीड हर स्टोरीज, सो यू विल कम टू नो दैट मोस्ट ऑफ हर पोएम्स एंड स्टोरीज एंड एसेज दे वर बिलोंगिंग टू इंडियन थीम और इंडियन बैकग्राउंड. So though she died at a very young age of 21, halaki bahut kam age mein expire hui, but she had left behind an immense collection of prose and poetry. Prose aur poetry ka kafi acha collection hi likh ke gayi. Ye nahi ki hum mein se kai log to 21 ki age mein, aap log bhi 21 ki age mein honge ya aane wale honge, to hame yehi nahi pata hota hai ki hum hain kya, hai na, what do we want from life. But aap dekhiye yahan pe unhone itni kam age mein, फाइन, उन्होंने ये मिरेकुलस काम भी किए हैं.
सो आर फेमस वर्क्स, कुछ इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स हैं, देख लीजिए, एंशियंट बैलेड्स, द लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, फ्रांस, द लोटस, द ट्री ऑफ लाइफ एंड आर कैजरीना ट्री. एंड इन योर कोर्स दीज टू पोएम्स आर देयर, द लोटस एंड आर कैजरीना ट्री. फाइन, ओके. So let's warm up now. It is time to start the poem. I think आप सब ready हैं. हमें poetess के बारे में काफी detail में देख लिया है. अब हमें समझ में आ गया कि हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसकी जो भी theme है, जो settings हैं, कहीं ना कहीं writing style जो है वो किस तरह से होगी. जब आप बार बार पढ़ रहे हैं Indian theme पे है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इसमें इंडियन थीम भी नजर आने वाली है. और जब आप बार बार पढ़ रहे हैं कि ईस्ट एंड वेस्ट का बहुत अच्छा ये समावेश है इनकी राइटिंग्स में, तो आप इसके अंदर कुछ वेस्ट भी पढ़ने वाले हैं. तो ईस्ट और वेस्ट को चलिए मिक्स करते हैं और स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग इट, आपके लिए छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पूछने वाली हूं. फाइन, सो आर यू रेडी फॉर इट? यस, ओके स्टूडेंट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, Who is called God of Love? Yes, आपके बहुत काम का क्वेश्चन है ये. बताएं, God of Love किसे कहा जाता है? जी कौन है बताएं, इंडिया में बताएं. चलिए आप इंडिया में कौन है God of Love? Yes, अगर हम इंडिया में बात करें तो आपको याद आएंगे कामदेव, राइट? आपने कई सारे सीरियल्स, माइथोलॉजिकल सीरियल्स जो बने हुए वो देखे होंगे, उसमें दिखाया जाता है कामदेव बहुत ही खूबसूरत से एक देवता होते हैं. उनके पास एक धनुष होता है और एक बाण होती है. फाइन, और जिसके ऊपर भी वो बाण चला देते हैं वो घायल हो जाता है और वो प्यार का शिकार हो जाता है, राइट? तो ऐसे अगर हम ग्रीक माइथोलॉजी की बात करें तो वहां पे गॉड ऑफ लव किसे बोला गया है? यस, क्यूपिड को. वेरी गुड. क्यूपिड याद आया आपको? अभी हम फोटो देखेंगे आपको याद आ जाएंगे. क्यूपिड एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जिसके पंख लगे होते हैं और वो भी धनुष बाण लेके घूमता रहता है. कब किसे शिकार बनाए, राइट? तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो है गॉड ऑफ लव कौन है, क्यूपिड के लिए आता है. ओके, सो विच फ्लावर इज फेमस फॉर इट्स ग्रेस? ये आपके लिए क्वेश्चन है. आप चाहें जो भी आपका फेवरेट फ्लावर है वो बोल सकते हैं, लेकिन ग्रेसफुल कौन सा फ्लावर लगता है? सबसे ज्यादा ग्रेसफुल वो होता है जिसको देख के जिसकी पर्सनैलिटी में ही एक ग्रेस हो. फाइन, जो इम्प्रेसिव हो बहुत ही ज्यादा. तो आप सोच सकते हैं, हो सकता है आप कहें रोज, हो सकता है आप कहें लोटस, हो सकता है आप कहें सनफ्लावर. ये आपकी चॉइस है, जिसे भी आप चाहें, या लिली, आप उसे ग्रेसफुल बोल सकते हैं. विच फ्लावर इज सिंबल ऑफ प्योरिटी? नाउ आई थिंक यू ऑल आर गोइंग टू टेल मी अ यूनानिमस आंसर फॉर इट. यहां पे शायद सबके विचार एक ही होंगे, किसे सबसे ज्यादा प्योर माना जाता है और प्योरिटी के लिए जाना जाता है कौन सा फ्लावर? यस, जोर से बोलिए, आई कांट हियर यू. मुझे पता है आप सब हंस रहे हैं कि मैम आप सुन तो हमें पाओगे भी नहीं, बट फिर भी यस, लोटस सुनाई दे रहा है मुझे, राइट? वेरी गुड. लोटस को हम बहुत ही प्योर मानते हैं, खिलता तो ये कीचड़ में है, लेकिन फिर भी आप देखिए हम दिवाली पे लक्ष्मी जी के चरणों में इसे चढ़ाते हैं. और हमारे जितने भी गॉड एंड गॉडेसेस हैं, आपने देखा होगा सबको लोटस पे बैठा हुआ दिखाया जाता है. ब्रह्मा जी हो गए, सरस्वती माँ हो गई, तो प्योरिटी का साइन होता है. सो विच इज आवर नेशनल फ्लावर? यस, ये तो आता ही होगा. यस, कौन सा है? लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर. वेरी गुड. तो देखिए, अब जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो बार बार आपके सामने कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, फ्लावर्स, फ्लावर्स एंड फ्लावर्स एंड गॉड ऑफ लव. इसका मतलब अब जो हम पढ़ने वाले हैं पोएम, इट इज बेस्ड ऑन अ रोमांटिक थीम, राइट? व्हाट इज रोमांटिक? रोमांटिक का मतलब आप वो ना समझें, आप मुस्कुरा रहे होंगे, रोमांटिक, ओ माई गॉड. रोमांटिक कहीं भी लड़का लड़की वाला प्यार नहीं है. रोमांस का मतलब है यहाँ पे लव विद नेचर. जो भी चीज प्रकृति में है सबसे प्रेम करो. तो उसी रोमांस को लेके, उसी नेचर की खूबसूरती को लेके हम पढ़ने वाले हैं हमारी पोएम. ओके, सो लेट्स नो अबाउट द कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द पोएम. बिफोर स्टार्टिंग इट, आई एम गोइंग टू टेल यू सम कैरेक्टर्स विच वी आर गोइंग टू हैव इन आवर पोएम. Fine. So first of all, there is Flora. Flora is called the goddess of flowers. Flora, आप सबने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना तो आपने I think geography में आप सबने सुना होगा. Flora and fauna आप वहां पढ़ते हैं. Fine. तो flora मतलब होता है vegetation, वनस्पति. तो वो देवी जो कि वनस्पतियों की देवी मानी जाती है, आप इनकी फोटोज में भी आप देख सकते हैं. यहाँ पे पीछे भी आप देखिए, इनके यहाँ पे आपको फ्लावर्स, फ्रूट्स, ग्रीन नजर आ रहा है. ये इनके हाथों में फ्लावर्स हैं. तो फूलों की देवी कही जाती हैं फ्लोरा. फाइन, तो एक तो हमारे पास फ्लोरा है, एक है हमारे पास क्यूपिड. यस, क्यूपिड,
स्टूपिड नहीं, हालांकि प्यार स्टूपिड ही होता है, लेकिन ये है क्यूपिड, और क्यूपिड कौन है, द गॉड ऑफ लव। आप लोगों को याद आ गया होगा, इस तरह से ये कैरेक्टर जो है काफी जगह आपने देखा होगा, लोग नहीं इसके शिकार तो आपने बहुत जगह देखे होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है क्यूपिड। इसके अलावा हमारे पास है जूनो, जूनो इज गॉडेस ऑफ लव एंड मैरिज। यस, जिनको भी प्यार नहीं मिल रहा है या शादी नहीं हो रही है, वो आप इनकी शरण में जाएं, गॉडेस जूनो है, ये अपनी मेहरबानी करेंगी तो आपकी शादी और आपका प्यार जरूर होगा। फाइन, चलिए, तो जब हम बात कर रहे हैं जूनो की, तो यहाँ पे आप देखिए जूनो जो है शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड शी वॉज नोन फॉर हर हॉटी नेचर। ये अपने हॉटी नेचर के बारे में फेमस थी। वॉट इज हॉटी, आप लोग कुछ और ना समझे, HAUGHTY, हॉटी मीन्स प्राउड, है ना, जिसको घमंड हो, आप लोग बोलते हैं प्राउडी, प्राउडी कोई शब्द नहीं होता, प्राउडी इज रॉन्ग, हॉटी होता है उसकी जगह। फाइन, तो ये अपने घमंड के लिए, क्योंकि इनको ये है कि हाँ मैं इतनी खूबसूरत हूं और इतनी पावरफुल हूं, तो शी इज नोन फॉर हर एलिगेंस एंड फॉर हर प्राउड नेचर। फाइन, सो देन वी हैव लोटस, लोटस का फ्लावर हम सब जानते हैं, खूबसूरत सा कमल है हमारे पास में। यस, द कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द पोएम और भी हैं, लिली, लिली का फ्लावर आपने देखा होगा, वाटर लिली, या और भी कई वैरायटीज में आता है, कई जगह लाइट पिंक कलर होता है, कई जगह व्हाइट कलर होता है, कई जगह पेल येलो होता है, तो लिली। एंड देन वी हैव रोज, रोज से तो आप सब वाकिफ ही होंगे। यस, कितने रोजेस दिए अभी तक, मम्मी मारेगी अगर तुम्हारी बात सुन लेगी तो। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम की थीम से। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए थीम होती क्या है। यस, व्हाट इज थीम, तो थीम के बारे में आपको बताती हूँ कि जब भी आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं तो उसका सार क्या है, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, या आप ये कहें कि एक सिंपल सी लाइन के अंदर हमें ये पता हो कि हम जो पढ़ने वाले हैं पोएम वो किस चीज के बारे में है, बस दैट इज द थीम। तो देखिए इसकी थीम अगर हम बात करें तो इंडियन थीम है, इंडियन ही इसका पूरा कंसेप्ट चलेगा, और फ्यूजन है ईस्ट और वेस्ट में। अभी हमने पढ़े ना, हमारे यहाँ के गॉड भी हैं और बाहर के भी गॉड हैं, ग्रीक के भी, ग्रीक माइथोलॉजी भी है और इंडिया भी है, इंडिया का ही नेशनल फ्लावर होता है लोटस। फाइन, एन इश्यू ऑफ क्राउनिंग अ फ्लावर एज द क्वीन, सो दिस इज द थीम, द होल पोयम रिवॉल्व्स अराउंड अ थीम ऑफ अ इश्यू दैट हु शुड बी मेड, हु शुड बी प्रोवाइडेड द क्राउन टू बिकम द क्वीन ऑफ द फ्लावर्स, मतलब फूलों की रानी, महारानी का ताज किसे पहनाया जाए, किसे क्राउन पहनाया जाए, यही हम इस पूरी पोयम में पढ़ेंगे। सो लव फॉर इंडियन कल्चर एंड रिलीजन भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा द पोएट्रेस प्रेजेंट द आइडिया दैट द इंडियन लोटस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स, सबसे खूबसूरत होता है लोटस, ये आपको देखने को मिलेगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम लिली एंड रोज हैड बीन फाइटिंग फॉर द टाइटल क्वीन ऑफ फ्लावर्स। देखिए जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दो कंटेस्टेंट्स हैं। फाइन, जैसे इलेक्शन में दो राइवल्स खड़े होते हैं, एक दूसरी पार्टी का, एक दूसरी पार्टी का, यहाँ पे दो खड़े हुए हैं, एक है लिली और एक है रोज। फाइन, तो दो कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं इस पोस्ट के लिए कि दोनों में से एक को सिलेक्शन करके आपको क्वीन बनाना है। फाइन, ईच फ्लावर विद इट्स ओन सपोर्ट फ्रॉम पोएट्स क्लेम्ड फॉर द टाइटल। अब आप देखिए कि दोनों ही फ्लावर्स के बारे में महान जो हमारे पोएट्स रहे हैं, कवि रहे हैं, उन्होंने इनकी तारीफ में फाइन इसे इन टाइटल्स के लिए वर्दी माना है। मतलब कुछ पोएट्स ने लिली की तारीफ की कि लिली कितनी खूबसूरत होती है, लिली कितनी शाही लगती है, लिली में ये क्वालिटी है वो है, कुछ कहते हैं नहीं नहीं रोज बहुत अच्छा होता है, ऐसे करके दो अलग अलग पार्ट्स में ये फ्लावर्स के सेक्शंस बटे हुए हैं। फाइन, आधे लोग वो हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, आधे फ्लावर्स वो हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं रोज को, और आधे कह रहे हैं हमारा नेता कैसा हो, यस लिली के जैसा हो, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे दो पार्ट्स में बटे हुए हैं, इन दोनों में ये कॉम्पिटिशन है, और आखिर में बाजी कौन मार ले जाता है वो आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स एंजॉय द पोएम। जी हाँ, हम पोएम को पढ़ेंगे नहीं, हमें एंजॉय करना है, एंजॉय करते हुए पढ़िए, आपको हमेशा के लिए पोएम याद हो जाएगी। तो लेट्स बिगिन द पोएम। ओके, सो दिस इज अ कंप्लीट टेक्स्ट फॉर द लोटस। पोएम शुरू करने से पहले हम पूरे टेक्स्ट को एक बार रिसाइट करेंगे, आप सब लोग मेरे साथ साथ इस पोएम को पढ़िए और गाइए। यस, आवाज अच्छी ना भी हो तो कोई बात नहीं, हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड
queen, yes, the lily and the rose, long had been rivals for that high honor, and bards of power had sung their claims, a rose can never tar like the pale lily with her Juno mane. But is the lily lovelier? Okay, so thus between the flower fractions rang the strife in Sykes' bar. Give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride. And but of what color? Rose red. Love first choose, then prayed. No, lily white or both provide. Fine. So are you ready to start with the poem? So we are going to read it line by line so that you can get all the meaning of it and you will be able to write reference to the context also. Hum ek ek lines ki padhenge taki aap exam mein reference to the context bhi kar sake. So let's begin with line number 1 and 2. हमारी फर्स्ट और सेकंड लाइन है ये पोयम की. आई होप यू ऑल आर हैविंग द टेक्स्ट. आई थिंक आपके पास टेक्स्ट होगा. नहीं भी हो तो यू कैन टेक इट फ्रॉम इंटरनेट. आप इंटरनेट से निकाल लीजिए अगर आप अभी बुक नहीं खरीद पा रहे हैं कोरोना की वजह से. कोई बात नहीं, आप घर पे ही रहें, इंटरनेट से इसका टेक्स्ट ले सकते हैं. अदरवाइज अभी मैंने आपको टेक्स्ट दिखाया, आप वीडियो पॉज करके उस टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं ताकि आपको सारा समझ में आए. तो चलिए हम देखते हैं इसकी लाइन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड. सबसे पहले सो इन फर्स्ट लाइन, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर. सबसे पहले हमने किसकी बात की? द वेरी फर्स्ट वर्ड लव. लव की बात कर रहे हैं हम, प्यार के देवता, गॉड ऑफ लव. और मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, यस क्यूपिड, वेरी गुड. एंड फ्लोरा हम सब जानते हैं, हमने अभी पढ़ा ही था, फ्लोरा इज द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स. सो लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर, मतलब गॉड ऑफ लव वेंट टू गॉडेस ऑफ फ्लावर्स टू आस्क फॉर अ फ्लावर. जो हमारे प्रेम के देवता हैं वो हमारी फूलों की देवी के पास गए और जाके क्या कहते हैं कि मुझे एक फूल दे दो. अब वो फूल कैसा होना चाहिए? दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन. देखिए, लव जो थे प्रेम के देवता, वो फूलों और वनस्पतियों की देवी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो भी अनडिस्प्यूटेड क्वीन बन सके, मतलब जो निर्विरोध रूप से अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूट मतलब विवाद, अनडिस्प्यूटेड जिसके ऊपर कोई, मतलब हर कोई उसे क्वीन मानने के लिए अग्री हो जाए, मुझे एक निर्विरोध रूप से एक ऐसा फूल चाहिए जिसे हम फूलों की क्वीन बना सके. फाइन. तो देखिए, फॉर हुम डज लव स्टैंड इन द पोएम द लोटस, बताएं किसके लिए आया है लव? लव इज फॉर क्यूपिड, यस, गॉड ऑफ लव इज क्यूपिड. फाइन. एंड हु इज फ्लोरा? आपको आ गया होगा अब तक, तो फ्लोरा इज द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेशन, वेरी गुड. चलिए, सो वॉट डज द गॉड ऑफ लव आस्क फॉर? नाउ द क्वेश्चन इज कि वाई गॉड ऑफ लव वॉज देयर, वॉट ही वॉज आस्किंग अबाउट. फाइन. सो ही वॉज आस्किंग अबाउट, यस, क्या पूछने के लिए गए हैं वो? अबाउट अ फ्लावर विच कैन बिकम अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ ऑल द flowers. Very good. So here's a beautiful presentation, a pictorial presentation. You can see here, this is Cupid. Fine. And this is beautiful Flora. Fine. And Cupid went to Flora and he's asking a question. What? Give me a flower which can become the queen of flowers. मुझे एक फूल दो जिसे हम फूलों की रानी बना सके. फाइन. और इधर देखिए, यहाँ पे फ्लोरा जो है वो बोल रही है, देर आर टू कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट, लिली एंड द रोज, की दो है मेरे पास कैंडिडेट, इनमें से एक चुनना है, लिली को क्वीन बनाए या रोज को क्वीन बनाए. ओके, सो लेट्स सी द थर्ड एंड फोर्थ लाइन. द लिली एंड द रोज लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर. फाइन. व्हाट शी सेइंग? उसने क्या बोला कि लिली और रोज काफी लंबे समय से, लॉन्ग काफी लंबे समय से, दे आर द राइवल्स. व्हाट आर राइवल्स? प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के अपोजिट हैं. और इस हाई ऑनर के लिए, हाई ऑनर क्या है? जो भी उच्च पद होता है, या क्वीन ऑफ फ्लावर्स यहां पे बनना था उसे. तो जो सत्ता की लड़ाई है, कुर्सी किसे चाहिए? या तो लिली को मिलेगी या रोज को. फाइन. तो उन दोनों में से किसे उस सत्ता हासिल होगी, इसी की सारी कहानी. सत्ता से मुझे याद आया, अभी हमारे राजस्थान में भी काफी यहाँ पे जद्दोजहद चल रही है कुर्सी की लड़ाई. तो सेम वैसा ही क्या हुआ, फ्लावर्स के साथ भी हुआ. वहां पे दो ओपोनेंट्स थे, एक था हमारा रोज, एक थी हमारी लिली. और दोनों में से हु शुड बी द क्वीन, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हु शुड बी नॉमिनेटेड एज द क्वीन ऑफ फ्लावर्स. ओके,
So here's a question for you students. Jaldi se mujhe answer dijiye. Who were the two rivals for the highest position of honor? Who were the two rivals? Yes. I can't hear you. Jor se boli. Yes. Very good. Lily and then? इधर से मुझे क्या सुन रहा है? रोज. वेरी गुड. तो ये दो हमारे रहे. एंड व्हाट वाज द ऑनर? ये लड़ाई किसकी थी? ये वो सत्ता की जो लड़ाई हो रही है वो किस चीज के लिए थी? कौन सी पोस्ट थी बताएं? आईएएस बनने के लिए? नहीं. मुख्यमंत्री बनने के लिए? नो. इट वाज क्वीन ऑफ ऑल दी फ्लावर्स, फूलों की रानी बनने के लिए. वेरी गुड. सो नाउ इट्स टाइम फॉर लाइन नंबर 5 and 6. आई होप यू ऑल आर एबल टू गेट ऑल दीज लाइन्स प्रॉपरली. So start with line number 5 and 6. Bards of power. Yes, we are talking about bards of power had sung their claims, the rose can never tar. Okay, so what is bard of power? Bards hum kise bolte hain? Poets ko. Bards kise bolte hain? Poets. कवियों के लिए आता है बार्ड. हम पोएट के लिए भी, पोएम के लिए भी बोलते हैं और कवियों के लिए भी बोलते हैं. तो बार्ड्स ऑफ पावर, पावर मतलब वो लोग जिनके पास पावर होती है. कौन होते हैं? यस, आपने सुना होगा कलम की ताकत. नाना पाटेकर की एक मूवी भी याद आ रही होगी, क्रांतिकारी, जहां पे कलम वाली बाई के साथ वो बात करता है. यस, तो बार्ड्स ऑफ पावर मतलब हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि जो पोएट्स होते हैं उनके पास बहुत पावर होती है. उनकी कलम के जरिए वो बहुत कुछ जो लिखते हैं उन चीजों से वो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन ला सकते हैं. तो जो हमारे शक्तिशाली और प्रसिद्ध कवि थे उनकी यहाँ पे बात हो रही है. तो बार्ड्स ऑफ पावर आप समझ गए. दे हैड संग देयर क्लेम्स. क्लेम्स मतलब होते हैं दावे. अब ये कह रहे हैं कि इवन the poets, they were divided between two parts. Half of the poet, they had written their claim that rose should be the queen of flowers. And half of the poets, they were saying, no, lily should be the queen of flowers. ये कह रहे हैं कि इनके लिए दोनों के लिए ही कवियों ने बहुत बड़ी बड़ी दावे किए थे कि नहीं, रोज को क्यों बनाया जाए क्वीन और लिली को क्यों बनाया जाए. फाइन. अब इनके दावे देखिए क्या है, वो पढ़ते हैं हम. The rose can never tower. Yes, लिली का फ्लावर आपने देखा है कैसा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है. ठीक है, पतली सी लंबी डंडी होती है और उसके बाद जाके इस तरह से, और उसके बाद जाके यहाँ पे लिली का फ्लावर होता है. आई नो मेरा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट आप इमेजिन कर सकते हैं इजीली. फाइन, अभी हमने देखा भी था लिली. तो ये एक शाही लुक इसे देता है, ये जो स्ट्रेट इसकी जो डंडी होती है लंबी. फाइन, जैसे कई लोग लंबे होते हैं और यूं रहते हैं हमेशा. तो आपने देखा होगा राजा महाराजा हमेशा यूं रहते थे अकड़ में अपनी. तो ये कह रहे हैं कि रोज जो है वो कभी भी टार की जैसा नहीं खड़ा हो सकता. लिली में खूबी होती है कि इट लुक्स रॉयल मोर देन रोज. ओके, सो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार्ड्स ऑफ पावर दोनों में ही एक लड़ाई चली. और क्या क्या लड़ाई थी आप देख सकते हैं यहाँ पे. दो पार्ट्स में, दो खेमों में बटे हुए हैं. फाइन, क्वीन किसे बनाया जाए, ये कुर्सी किसे मिलनी चाहिए. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे रोजेज हैं और ये है लिली के फ्लावर्स. फाइन, तो रोज के लिए जब ये बात कर रहे हैं तो रोज के लिए कह रहे हैं, रोज कैसा होता है? रोज इज वेरी डीप. आपने रोज की पेटल्स देखी, एक के बाद एक कितनी गहराई तक रोज की पेटल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं. फाइन, तो इट इज डीप, इट इज हैविंग फ्रेग्रेंस. कौन भूल सकता है गुलाब की खुशबू? क्या खुशबू होती है, इत्र भी बनाया जाता है उससे. तो कह रहे हैं कि रोज में फ्रेग्रेंस भी होती है. रोज हैज कलर्स. ओ माई गॉड, रोजेस के कलर्स याद आ रहे होंगे आपको, क्या खूबसूरत रंग होते हैं उनमें. एंड देन इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कांटों में खिलता है इसलिए बहुत ही मजबूत ये होता है. लेकिन हमारी लिली भी किसी से कम नहीं है. तो चलिए जानते हैं लिली के बारे में. लिली होती है बहुत ही फ्रेजाइल. अगर रोज बहुत ही स्ट्रांग है तो लिली फ्रेजाइल. फ्रेजाइल होती है बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट, जिसे बहुत ही करीने से संभाला जाना चाहिए, हैंडल विद केयर. फाइन, तो लिली का फ्लावर आपने देखा होगा बहुत ही सॉफ्ट होता है और अगर आपने हल्का सा भी ढंग से नहीं उसे कैरी किया तो वो खराब हो जाता है. तो फ्रेजाइल होता है रॉयल. अभी हमने बात की कि लिली के अंदर एक ग्रैंड फीलिंग आती है, रॉयलिटी है ना, कि उसका सर हमेशा यूं ऊंचा ही रहता है. इसी के साथ लॉन्ग होती है, इसकी लंबाई ज्यादा है. एंड सोबर, और बहुत ही पेल कलर्स में होती है, बहुत ही पायस, सिंपल, सिंप्लिसिटी लिए हुए होती है. तो दोनों के अंदर ही अपनी अपनी खूबियां हैं. अब इसीलिए इन दोनों खूबियों को लेके ये लोग मैदान में उतर पड़े चुनाव के लिए कि कौन हो हमारा नेता, कैसा हो, रोज के जैसा हो हमारा नेता, कैसा हो लिली के जैसा हो. और अब
जब इन दोनों में ये आपस में चीजें हो रही हैं तो देखिए क्या होता है। लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मेन, इन्होंने कहा कि जो लिली है वो कैसी होती है, पेल। वैसे तो पेल अक्सर हम नेगेटिव के लिए लेते हैं, फीका, लेकिन लिली का जो कलर है यहाँ पे सोबर के लिए आया है, सिंपल कलर है ना, नेचुरल कलर के लिए यहाँ पे है। तो ये कह रहे हैं कि लिली जो है वो बहुत ही पेल होती है, जैसे जूनो मेन। हम जूनो ऑलरेडी जान चुके हैं, जूनो इज द गॉडेस ऑफ लव एंड मैरिज। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जूनो जो होती है गॉडेस, उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं फाइन, वो इतने सोबर होते हैं, इतने सिंप्लिसिटी लिए होते हैं, लेकिन अपने आप में रॉयल होते हैं, हॉटी होते हैं, फाइन। तो कह रहे हैं कि लिली जो है उसके जो एक्सप्रेशन है, उसका जो हाव भाव है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही रॉयल नजर आता है, जो कि कभी भी रोज नहीं कर सकता है। लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन भी वहीं उठ गया, बट इज द लिली लवलियर, लेकिन क्या लिली जो है वो लवली है, क्योंकि लवली कौन होता है, रोज। फाइन, लिली हो सकता है रॉयल लगे, लेकिन वो कभी भी लवली नहीं लगता है। चलिए, तो पेल हम जान ही चुके हैं, सफेद या पीला सुनहरे के लिए है। जूनो मेन हम जानते हैं जुपिटर की वाइफ थी, एंड शी वॉज नोन फॉर हर घमंडी नेचर, हॉटी नेचर के लिए वो जानी जाती थी। ओके, सो एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डज द टर्म जूनो मेन सिंबलाइज, मतलब यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ है किसके लिए है, फॉर द एक्सप्रेशंस ऑफ द वाइफ ऑफ जुपिटर गॉडेस जूनो। गॉडेस जूनो कैसी थी, हॉटी, ग्रैंड, रॉयल थी वो, इसीलिए ये यहाँ पे सिंबल के तौर पे यूज हुआ है लिली के लिए। So here's a little comparison between rose and lily. You can see it. Rose is colorful, it is fragrant, it is deep, it is very strong. Whereas lily is sober, royal, long and fragile. Fine. These two flowers, they are totally different in nature, in color, in properties. Fine. So in our next lines, 5 to 6 and 7, thus we can see, thus between the flower fractions rang the strife in psyche's bar. Now what he is talking about? About flower fractions. देखिए, flower fractions क्या होते हैं? देखिए, flower fractions की हम बात करें तो फूलों में भी दो parts हो गए, fraction मतलब बंटवारा हो चुका है, दो parts में these are divided, fine, and one is supporting lily and another one is supporting the rose, fine. So thus between the flower fraction kya hua, rang the strife in Sykes bar. Inke beech mein rang the strife ka matlab hota hai vivad shuru ho gaya, theek hai, khatre ki ghanti baj chuki hai, rang, fine. Aur strife matlab kya hai, commotion, डिसऑर्डर, दोनों में अराजकता फैल चुकी है, आधे लोग एक को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे लोग एक को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या वहां पे, जो देखिए साइकी क्या होता है, साइकी जो है वो एक फ्रेज है, और किसके लिए आता है, ये एक्चुअली एक कुंज है, कुंज आप सब समझते हैं, एक बार होता है, बार को कुंज बोलते हैं, बगीचा आप इसे कह सकते हैं, ये एक बगीचा है जहां पे सारे फूल रहते हैं, फाइन। जैसे हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं, हम मनुष्य रहते हैं, हमारी अपनी अपनी कॉलोनीज होती हैं, है ना, ऐसे ही फ्लावर्स की भी क्या है, कुछ कॉलोनीज बनी हुई है जहां पे ये सब रहते हैं, और इनकी जो मालकिन है वो कौन है, साइकी। साइकी जो है एक बहुत ही खूबसूरत देवी है ना, और इन्हीं का ही वो सारी प्रॉपर्टी है जहां पे सारे फ्लावर्स रह रहे हैं। तो उन फ्लावर्स के बीच में अब वहां पे एक फ्रैक्शन बन चुका है, वहां पे एक विवाद शुरू हो चुका है कि हमें किसे वोट देना चाहिए, फाइन। तो आपको समझ में आया, फिर से देख लीजिए, दस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकीज बार। अब देखिए क्या होता है, क्वेश्चन आपके लिए है कि साइकीज बार का मतलब क्या है। जैसा अभी हमने पढ़ा, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, साइकीज बार किसके बारे में आया है, ये एक बहुत ही खूबसूरत देवी है जिनकी प्रॉपर्टी है जहां पे सारे फ्लावर्स रहते हैं, तो फ्लावर्स की कॉलोनीज के लिए आया है, फाइन। तो बार जो है वो नेस्ट के लिए आता है, बेसिकली घर के लिए आता है, घोंसले के लिए आता है, यहाँ पे फ्लावर्स रह रहे हैं तो ये फूलों का घर है। ओके, सो लाइन नंबर 9 and 10, नाउ गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर pride. Now, as we already read, that god of love Cupid went to Flora asking for a flower. So, Cupid जो है वो जाके Flora जी को क्या बोल रहे हैं कि give me a flower, मुझे एक ऐसा फूल चाहिए which is delicious as the rose. Yes, rose की जैसा delicious. What is delicious? Delicious means palatable. What is palatable? जिसे देख के मुंह में पानी आ जाए, स्वादिष्ट,
यस, तो देखिए स्वादिष्ट यहाँ पे क्यों बोला, अब रोज को स्वादिष्ट क्यों बोला है, रोज में स्वाद होता है, होता है, गुलकंद खाया होगा आपने और कई सारे जो हमारे भोजन है उसके अंदर भी हम लोग ये फ्लेवर डालते हैं रोज का। फाइन, अभी राखी आ रही है, आप खीर बनाए और उसमें रोज का फ्लेवर डाल के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, राइट। तो सेम यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने ये बात करी कि मुझे एक ऐसा फ्लावर चाहिए जो कि उतना ही डिलीशियस हो जैसे रोज को देख के मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आने का मतलब यहाँ वाकई में मुंह में पानी आना नहीं, ललचाना, तो जिसे देख के लालच आ जाए, यार क्या खूबसूरत कलर्स हैं, है ना, क्या खूबसूरत महक है, उसकी फ्रेग्रेंस अपने आप में भूख जगा देती है आपके अंदर। तो ये कह रहे हैं कि मुझे एक ऐसा फ्लावर चाहिए जिसमें जिसके अंदर सुगंध हो, जो डिलीशियस हो जैसे कि रोज होता है। एंड सेकेंड, लेकिन मुझे ऐसा भी चाहिए जो स्टेटली हो, लिली की तरह अपने ही प्राइड में। लिली कैसा है? प्राइड, और प्राइड मतलब यहां नेगेटिव ना लें, घमंडी नहीं है, इसका मतलब है कि अपने आप में जो शाही हो, रॉयल हो। फाइन, तो यहां पे कह रहे कि मुझे एक ऐसा लिली जैसा भी चाहिए जो स्टेटली भी लगे, जो भव्य भी लगे, मतलब रोज की क्वालिटी भी चाहिए इनको और इनको लिली की क्वालिटीज भी चाहिए, दोनों हाथों में लड्डू इनको चाहिए। सो हु द वर्ड मी इज एड्रेस टू, तो बताएं ये मी जो है ये किसके लिए आया है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो आपको पता होगा ये मी किसके लिए आया है। यस, फ्लोरा के लिए है। हाँ, क्या कर रहे हो, फ्लोरा के लिए है? नहीं, ये किसके लिए आया है? गॉड ऑफ लव, क्यूपिड के लिए। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारी 11th एंड 12th, बट ऑफ व्हाट कलर? नाउ फ्लोरा इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू गॉड ऑफ लव। क्या पूछ रही है क्यूपिड से, कौन से कलर का चाहिए? चलिए मान लिया आपको डिलीशियस चाहिए रोज की तरह, फाइन, आपको स्टेटली चाहिए, भव्य चाहिए लिली की तरह, लेकिन कलर क्या होना चाहिए? व्हाट कलर यू वांट, याद आया बचपन में खेलते थे टिपी टिपी टॉप, व्हाट कलर यू वांट, तो उसने क्या बोला? रोज रेड, मुझे तो रोज का रेड चाहिए। लव फर्स्ट चूज, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, पहले उसने चुना कि मुझे रेड का रोज का रेड कलर चाहिए, लेकिन फिर कहता है नो, देन प्रेड नो लिली व्हाइट, नहीं, मुझे व्हाइट कलर चाहिए जैसा कि लिली में होता है। और उसके बाद कहता है अरे ना बाबा, बोथ प्रोवाइड, आई वांट बोथ द कलर्स। क्लियर हुआ, क्या बात हो रही है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसे कहा कि भाई आप चूज कीजिए, तो लव ने किसे चूज किया, किसे पसंद किया? सबसे पहले ही सेड रेड कलर, बट देन ही प्रेड, उसने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि नो आई वांट, मुझे कौन सा कलर उपलब्ध कराए, मुझे चाहिए रोज का रेड और लिली का व्हाइट, दोनों मतलब रेड एंड व्हाइट दोनों ही कलर्स मुझे चाहिए, अब मैं क्या करूं, ही इज कंफ्यूज। सो व्हाट डज लव डिजायर, लव की डिजायर क्या थी? कंफ्यूज डिजायर थी, उसे दोनों ही कलर्स चाहिए थे। वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं। एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड एंड लिली व्हाइट क्विनलिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज। देखिए अब यहां पे आ गया अंत हमारा, ठीक है, जब दो जने वहां खड़े हुए, एक कहता है मुझे वोट दो, एक कहता है मुझे, उसे लगा कि किसी को भी दुखी करना ठीक नहीं है, तो उन्होंने एक नया फ्लावर बना दिया। यस, और वो नया फ्लावर क्या था? द लोटस, वेरी गुड, उन्होंने लोटस बना दिया। और इस लोटस की खूबियां भी देख लेते हैं। फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड, डाइड मीन्स डाई करते हैं रंग, कलर, तो इस जो ये जो लोटस था इसके अंदर कलर कौन सा था? रेड था, उसे रेड चाहिए था ना, तो रेड कलर था, प्लस व्हाइट भी इसमें मिक्स था लिली का, तो रेड और व्हाइट को जब हम मिक्स करते हैं, आपने बचपन में खूब पेंटिंग करी होगी, कलरिंग की होगी, तो रेड और व्हाइट को मिक्स करने से कौन सा कलर बनता है? यस, मुझे पिंक सुन रहा है, क्या पिंक बोला है आपने? राइट, तो पिंक कलर वहां पे प्रोड्यूस हुआ, और पिंक कलर किसे सिग्निफाई करता है? लोटस को। बोले किसी को भी बुरा नहीं मानना है, रेड चाहिए रेड लो, व्हाइट चाहिए व्हाइट लो, दोनों को मिक्स किया, फाइन, और मिक्स करने के बाद एक नया ही फ्लावर वहां बन गया, दैट वॉज लोटस। और ये वो क्वीन बना है फ्लावर्स की, क्वीनलिस्ट, ये वो क्वीन बना है, सबसे खूबसूरत, सबसे जो सुप्रीम होता है वो, और तब से लेके आज तक वो फूल महक रहा है, खिला हुआ है। यस, राइट, सो दीज वर द लास्ट लाइन्स ऑफ आवर पोएम, आई होप आपको समझ में आई होगी। क्वीन किसे बनाया गया? अल्टीमेटली लोटस वॉज द क्वीन। सो वाई डिड फ्लोरा गिव द लोटस टू द गॉड ऑफ लव?
बताएं लोटस क्यों, क्योंकि लोटस के अंदर दोनों क्वालिटीज हैं। अगर आप कलर की बात करें तो रेडनेस भी होती है, व्हाइट भी होता है। अगर आप खुशबू की बात करें फ्रेग्रेंस की, तो लोटस में फ्रेग्रेंस भी होती है और लिली की प्योरिटी भी होती है। इसलिए तो देखिए, कीचड़ में खिलने के बावजूद भी हमारे सारे देवी देवताओं को वो अर्पित किया जाता है। और हमारे देवी देवताओं का आसन भी आपने देखा होगा, ब्रह्मा जी को आपने देखा होगा, सरस्वती माँ को देखा होगा, लक्ष्मी जी, सभी हमें लोटस के ऊपर ही बैठे हुए नजर आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा नेशनल फ्लावर भी क्या है, लोटस ही है। वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं तोरू दत्त का जो इंडियन कल्चर के लिए जो प्यार था वो आपको इसमें झलक रहा होगा, आपको नजर आया होगा। प्लस आपने ये भी देखा कि किस तरह से इंडियन माइथोलॉजी प्लस ग्रीक माइथोलॉजी को इतनी अच्छे से ब्लेंड करके पता ही नहीं चला उनके देवी देवता हमारे लग रहे हैं, हमारे देवी देवता उनके लग रहे हैं, और कितनी खूबसूरती से इस छोटी सी प्यारी सी पोएम को इन्होंने प्रेजेंट किया है। सो फाइनली आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, यहाँ हमारे स्टूडेंट ने बनाई है। लोटस इज द क्वीन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दी फ्लावर्स। फाइन वंदना, तुमने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, थैंक यू सो मच। और आप देख सकते हैं इसने यहाँ क्या किया, लोटस को ही क्वीन बना दिया, जो कॉम्बिनेशन है दोनों ही फ्लावर्स का, मतलब रोज भी आ गया उसमें और लिली भी उसमें आ गया है। फाइन, तो आई होप यू एंजॉयड द पोएम, समझ तो आई गई होगी, पर मुझे लगता है आप सबने इसे एंजॉय भी किया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस पोएम को एंजॉय करें। तो चलिए इसकी समरी एक बार हम देख लेते हैं शॉर्ट में, जस्ट मैं थोड़ी स्पीड में बताऊंगी क्योंकि ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, गॉड ऑफ लव केम टू गॉडेस फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर विच वुड बी द अनचैलेंज्ड क्वीन ऑफ फ्लावर्स। ऐसी क्वीन बनेगी जिसे कोई चैलेंज नहीं करेगा, सब मान लेंगे कि हाँ हम सहमत है कि यही होना चाहिए। सो ही वॉन्टेड अ फ्लावर, उन्हें एक फ्लावर की जरूरत थी जो कि स्ट्रेटली होना चाहिए लिली की तरह एंड डिलीशियस एज द रोज। एंड देन गॉडेस फ्लोरा गेव गॉड ऑफ लव द लोटस फ्लावर एंड रिजॉल्व द लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेरल बिटवीन लिली एंड रोज। और जो लंबे समय से झगड़ा चला आ रहा था लिली और रोज के बीच में कि किसे क्वीन बनाया जाए, वो यहीं पे ही खत्म हो जाता है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर आवर यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चंस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। यू आर गोइंग टू हैव 20 मार्क्स ऑफ क्रिटिकल एप्रिसिएशन। फाइन, सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन ऑलरेडी आस्क्ड। ये आपके पहले पूछे हुए प्रश्न है। देखिए, राइट अ क्रिटिकल समरी ऑफ द पोएम द लोटस, क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसकी लिखो, या सिग्निफिकेंस क्या है लोटस का इंडियन कल्चर में, शॉर्ट में पूछा गया है। इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपके आते हैं और इनमें आप देख सकते हैं क्रिटिकल समरी या क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही पूछा जाता है आपके फर्स्ट ईयर में। फाइन, सो व्हाट इज दिस क्रिटिकल एप्रिसिएशन, हाउ टू राइट इट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट। फाइन, सो लेट्स लर्न हाउ टू राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ अ पोयम। इसके कुछ रूल्स हैं, आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ द पोयम। फाइन, देन इंट्रोडक्शन ऑफ द पोयम, poet, then poem, then theme, then explanation, and last but not the least, critical comment. So, बच्चों आप लोग ध्यान रखें कि ये फाइव पार्ट्स हैं जिसके अंदर हमें हमारे आंसर को लिखना है। तो एग्जाम्पल भी आपके लिए आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, तो हमारे पोएम की यहाँ पे पोएटस कौन है, तोरू दत्त। वेरी गुड। तो तोरू दत्त की अगर हम बात करते हैं, तो तोरू दत्त का जो भी इंट्रोडक्शन हमने अभी पढ़ा, हमने इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी थी स्टार्टिंग में, यू हैव टू राइट दैट पोर्शन इन दिस। आपको लगभग हाफ से लेके एक पेज तक अबाउट द पोएट आपको लिखना होता है। फाइन, देन प्रोसीडिंग टू सेकेंड थिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, यू हैव टू डिफाइन दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, व्हेन इट वॉज रिटर्न, व्हेन इट वॉज पब्लिश्ड, यू हैव टू राइट द लिटिल डिटेल्स ऑफ द पोएम। ओके, उसके बाद आपको थीम लिखनी होती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पोएम शुरू करने से पहले, मैंने आपको बताया था थीम होती है सार, जो भी आप पढ़ने वाले हैं वो किस चीज के बारे में है उसका सारांश यहाँ पे हम पहले ही पढ़ लेते हैं, उसे हम थीम बोलते हैं। देन एक्सप्लेनेशन पार्ट, उसके बाद आप उसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे लाइन टू लाइन, जो मैंने आपको अभी बताया एक एक लाइन का हमने एक्सप्लेनेशन किया वो पोर्शन आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिटिकल कमेंट्स आपको लिखने होंगे, जहां पे फिगर्स ऑफ स्पीच से लेके और डिटेल्स भी आएंगी। फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका,
और आपको वो आने ही चाहिए. बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, आपको सारे फिगर्स ऑफ स्पीच आने चाहिए. और जैसे जैसे हम पोएम्स पढ़ेंगे, हम आपको फिगर्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन भी करते जाएंगे इन रेफरेंस टू द पोएम्स. फाइन, उसके अलावा भी अगर आपको पढ़ना हो तो फिगर्स ऑफ स्पीच का हमारा एक अलग से वीडियो भी है, आप उसे भी देख सकते हैं. आपके सारे कंसेप्ट फिगर ऑफ स्पीच को लेके क्लियर हो जाएंगे. तो चलिए, ये पोर्शन हम देख चुके हैं, अब बारी है एक्सप्लेनेशन की, तो वो भी देख लीजिए कैसे देते हैं. अभी हमने पढ़ा, फिर भी आप एक बार देखिए. द गॉड ऑफ लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर विच वुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द फ्लावर्स एज देयर क्वीन. फाइन, द लिली एंड द रोज ऑलवेज फॉट फॉर दिस हाई ऑनर एंड मैनी पोएट्स प्रेज्ड देम एंड रोट पोएम्स. फाइन, सम फ्लावर्स टोल्ड रोज वॉज बेटर, कुछ ने कहा कि रोज ज्यादा अच्छा है. एंड अदर्स सेड लिली. फाइन, सो कंपेयर टू लिली एंड फ्लावर्स एंड दे हैड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स अबाउट दीज फ्लावर्स. इनका अलग अलग चीजों के साथ कंपेरिजन भी किया गया, कहीं जूनो के फेस से कंपेरिजन हो रहा है, किसी की खुशबू को ज्यादा डिलीशियस बताया जा रहा है. सो सम फ्लावर्स सपोर्टेड लिली वेयर एज अदर्स सपोर्टेड रोज. मुझे लगता है इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, आप लोग अच्छे से इसे समझ चुके हैं. लव सेड ही वॉन्टेड अ फ्लावर विच हैज अ स्वीट स्मेल लाइक दैट ऑफ अ रोज एंड विच इज वेरी ग्रैंड लुकिंग लाइक दैट ऑफ अ लिली. देन फ्लोरा आस्क विच कलर फ्लावर डज ही वॉन्ट एंड फर्स्ट लव सेड रोज रेड एंड देन ही सेड लिली व्हाइट बट लेटर ही वॉन्टेड बोथ द कलर्स. सो Flora created a new flower called lotus which had the color of rose red from morning to noon. Morn, morn किसका short form होता है? Morning का. आप लोग poem में ये word कई बार पढ़ेंगे. तो सुबह से दोपहर तक अगर आपने कभी गौर से देखा हो तो लोटस का कलर बहुत डार्क होता है, लेकिन लिली वाइट धीरे धीरे होने लगता है. जैसे जैसे दोपहर जाती है, शाम आने लगती है, तो अपने आप ही लोटस का कलर जो है वो लाइट होने लगता है. वैसे अगर हम देखें तो लोटस कई कलर्स में आता है. फाइन, लेकिन जो टिपिकल जो लोटस होता है, जो आपने बचपन में भी बनाया होगा, सब बनाते हैं इस तरह से, राइट? ऐसे बनाते हैं. और इसका कलर हमेशा हम पिंक ही डाला करते थे और इसमें शेड डालते थे व्हाइट की, अगर आपको याद आ रहा हो. फाइन, तो ये जो है कलर, ये कलर यहां पे दोनों ही कलर्स को सिंबलाइज करता है. नाउ फॉर्म ऑफ द पोएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको अच्छे से देखिए स्टूडेंट्स. फॉर्म क्या होती है पोएम की? अगर हम फॉर्म की बात करें तो किस तरह से लिखी गई है, उसका रूप क्या है, ये होता है. अगर हम इस पोएम की बात करें तो दिस इज अ सोनेट. नाउ व्हाट इज सोनेट? हो सकता है आपको ये भी नया टॉपिक लगे कि सोनेट क्या होता है. इसको भी अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो वी हैव अ डिफरेंट वीडियो फॉर सोनेट ऑल्सो, यू कैन सी दैट वीडियो. अब हम इसे एक बार पोएम के साथ भी देख लेते हैं. सोनेट जो है ये पेट्रार्कन सोनेट है हमारी पोएम. फाइन, और इस पोएम से आपको पता चलेगा कि तोरुदत्त शी वॉज सो वेल वर्स्ड इन राइटिंग सोनेट्स. ये जब सोनेट लिखती थी तो बहुत ही गजब तरीके से लिखती थी. तो देख लेते हैं ये क्या होती है सोनेट. सोनेट एक छोटी लिरिकल पोएम होती है. लिरिकल मीन्स विच कैन बी संग, जिसे गाया जा सके. और सोनेट की खासियत है कि ये 14 लाइन्स की होती है एंड इट ऑलवेज फॉलोज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर एंड फिक्स्ड राइम स्कीम. इसकी जो राइम स्कीम और स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम ही होगा, फिक्स होगा. अच्छा, अभी स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब इसे किस तरह से लिखा जा रहा है. ये हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है. घबराए नहीं. व्हाट इज दिस आयम्बिक पेंटामीटर? जैसा हम जानते हैं हर चीज को मापने का एक हमारा तरीका होता है. चाहे आप समान नाप सकते हैं, चाहे आप डिस्टेंस को नाप सकते हैं, वैसे ही सेम हमारी पोयम को भी नापने का एक तरीका होता है. आप म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें सुर होते हैं, कहाँ ऊंचा जा रहा है सुर, कहाँ नीचा जा रहा है, अलग अलग तरह से. सेम वैसा ही पोएम्स में भी होता है. इसमें सेलेबल्स होते हैं. सेलेबल्स के अंदर क्या होते हैं? सेलेबल्स के साथ में जब भी आप वॉल साउंड्स एक लाइन में कहाँ कहाँ कितने वर्ड्स में रिपीट हो रहा है वो सेलेबल बनाते हैं. और उन सेलेबल्स को जब भी आप स्ट्रेस या अनस्ट्रेस सेलेबल्स में बांटते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न. तो जब आप सोनेट लिखते हैं तो ये हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है. आयम्बिक मतलब 5. तो एक ही लाइन के अंदर पहले अनस्ट्रेस सेलेबल्स होगा, उसके बाद में एक स्ट्रेस सेलेबल होगा, फिर अनस्ट्रेस, फिर एक स्ट्रेस, ऐसे करके 5 बार आयम्ब, मतलब दो 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 के जोड़े जो है 5 बार जब आते हैं, 5 × 2 = 10, तो हम उसे बोलते हैं राइम स्कीम. इसको भी आप डिटेल में अलग से देख सकते हैं. और
इस पूरे के अंदर एक ही विचार होगा, मतलब इसमें अलग अलग थीम नहीं होंगी। जैसे अभी हमने पढ़ा तो पूरे में क्या था, एक ही था कॉन्सेप्ट कि क्वीन ऑफ फ्लावर किससे बनाया जाए। तो ये होता है एम्बिक पेंटामीटर, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ओके, तो सोनेट की अगर हम बात करें तो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है पेट्रार्कन सोनेट। जैसा अभी हमने देखा ये पेट्रार्कन सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट का दूसरा नाम इटालियन सोनेट होता है। फाइन, तो इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन, पेट्रार्कन एक पोएट थे पेट्रार्क, उनके नाम से नाम रखा गया है। और इसकी खासियत क्या होती है, देखिए ऑक्टेव एंड सेस्टेट दो हिस्सों में बटी होती है। दूसरी जो सोनेट होती है स्टूडेंट्स, दैट इज इंग्लिश सोनेट और एलिजाबेथन सोनेट। फाइन, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन दिस पोयम बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। अभी हम नहीं पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम हमारे पास एक पोयम और भी है जो कि एलिजाबेथन सोनेट्स हैं, तो हम उसके अंदर उसे डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो देखिए ऑक्टेव और सेस्टेट, जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा होगा, ऑक्टेव के अंदर होती एट लाइन्स, ऑक्टेव आठ, फाइन, और सेस्टेट सिक्स, छह लाइन इसके अंदर होती है। फाइन, एट और सिक्स कर लो, 14 हो जाने चाहिए। सोनेट डील्स विद अ सिंगल आइडिया, और इसमें क्या होता है ऑक्टेव के अंदर तो आपके सामने एक प्रॉब्लम रखी जाएगी और सेस्टेट के अंदर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर हम इस पोएम की बात करें तो इन दिस 14 लाइंस तोरुदत्त रेजेस अ प्रॉब्लम इन द ऑक्टेव। इन द स्टार्टिंग 8 लाइंस ऑफ द पोएम तोरुदत्त इज रेजिंग अ प्रॉब्लम दैट हु शुड बी नॉमिनेटेड एज द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, बट इन लेटर ऑन इन द सेस्टेट पार्ट she is offering the solution to the problem that lotus should be the queen of flowers. आप देख सकते हैं octave में एक problem थी, problem क्या थी, who will be the queen, और जैसे sestet के बारे आती है तो हमने वहां क्या पढ़ा कि lotus should be the queen of all the flowers. Okay, so now it's time for critical comments. Now, अगर हम बात करें सबसे पहले personification, मानवीकरण, और जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है personification, it means when non-living things are personified. जब आप किसी निर्जीव वस्तु को मनुष्य बना के पेश करते हैं उसे हम बोलते हैं personification. Definition भी है, आप देख लीजिए, sometimes lifeless things are treated as if they were human beings. This is called personification. मतलब जब निर्जीव वस्तुओं को मनुष्यों की भांति या सजीवों की भांति प्रस्तुत किया जाता है उसे हम कहते हैं मानवीकरण। आपके एग्जाम में आपको ये डेफिनेशंस नहीं लिखनी होती हैं, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम योर पोएम्स दैट व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन यूज्ड इन द पोएम। आपको एग्जाम में डेफिनेशन तो नहीं लिखनी है लेकिन एग्जाम्पल्स आपको ढूंढ के लिख के आने हैं। तो जब हम इस पोएम की बात करें स्टूडेंट्स, द पोएट हैज पर्सोनिफाइड लव एज गॉड ऑफ लव फ्लोरा। अब लव क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, लव अमूर्त है, लेकिन उसे किस तरह से मनुष्यों की तरह की लव गया है, अब चल के जा रहा है लव, अब आप सोचो प्यार कैसे चल के जाएगा, लेकिन आपने उसे मनुष्य बनाया, जाके कहता है मुझे एक फूल चाहिए, तो मांगना भी मनुष्यों का प्रोसेस है। फाइन, फ्लोरा को भी यहाँ पे हमने पर्सोनिफाई किया है, लोटस को किया है, लोटस को हमने क्वीन बना दिया है, लिली को भी हमने प्रतिद्वंदी बनाया, रोज को बनाया, तो आप देख सकते हैं ये सब हमने यहाँ पे पर्सोनिफाई किए हैं। आपको आंखें वाखे नजर आ रही होंगी इन सबकी, राइट। चलिए अब अगर हम सिंबल की बात करें तो सिंबल होते हैं प्रतीक। तो रोज किस चीज का प्रतीक होता है, लव का, और लिली किसका सिंबल होता है, प्योरिटी एंड इनोसेंस का। तो ये सिंबलिज्म भी यूज हुआ है यहाँ पे, राइट। इमेजरी भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जिन भी शब्दों को पढ़ के आपकी आंखों के सामने उसकी फोटो बन जाए, यस, वही इमेजरी होती है। डिटेल में भी अभी हम देख लेंगे। एलिट्रेशन इसमें यूज हुआ है, अनुप्रास अलंकार। अभी अनुप्रास अलंकार क्या है, द यूज ऑफ सेम लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टूगेदर। एक ही लाइन में अगर शब्दों की शुरुआत में या बीच में अगर किसी भी आप साउंड को रिपीट करते हैं तो वो कहलाता है एलिट्रेशन, अनुप्रास। अनु मतलब बार बार और प्रास मतलब वर्ण। जब एक ही अक्षर को या एक ही ध्वनि को आप बार बार रिपीट करते हैं तो कहलाते हैं, तो एक ही वाक्य में समान व्यंजन ध्वनि का शब्द के शुरुआत में बार बार प्रयोग करना कहलाता है एलिट्रेशन। अगर मैं इस पोएम की बात करूं तो देखिए जितने भी मैंने यहां हाईलाइट किए सब एलिट्रेशन के एग्जांपल्स हैं। कैसे, ये फर्स्ट लाइन है जहां पे फ्लोरा फ्लावर, फ की ध्वनि यहां पर रिपीट हो रही है, हाय ऑनर लाइक लिली, लिली लवली, ल यहां पर रिपीट हो रहा है।
अब इसमें कंपैरिजन भी हुआ है, हम सब जानते हैं दो फ्लास्क से, मैंने आपको एक स्लाइड भी दिखाई थी कंपेयर करके। तो यहाँ पे राइवल्स हैं, जहां पे रेड रोज है और लिली व्हाइट है, और किस तरह से इनके बीच में कंपैरिजन दिखाया गया है। इसके अलावा इसमें अगर हम देखें तो ग्रीक माइथोलॉजी, क्योंकि हम जब क्यूपिड की बात कर रहे हैं, गॉडेस फ्लोरा की बात कर रहे हैं या जूनो की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं। अब रिपीटेशन की बात करूं तो रिपीटेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज रिपीटेड। अभी एलिट्रेशन पढ़ा, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, साउंड को रिपीट कर रहे हैं या फिर लेटर को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जब पूरा पूरा शब्द रिपीट होता है या फ्रेज रिपीट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिपीट होता है, या फिर कंप्लीट सेंटेंस जहां पे रिपीट होता है, वो रिपीटेशन कहलाता है। और इस पोयम में रिपीटेशन कहां हुआ है, जैसे लॉन्ग लॉन्ग आप इस लाइन में देख सकते हैं, आपको एग्जाम में इसी तरह से इसे मेंशन भी करके आना है। नाउ वी टॉक अबाउट इमेजरी। इमेजरी इसमें यूज हुई है, रोमांटिक पोएट्री है तो रोमांटिक में तो नेचुरल इमेजरी भरी हुई होंगी, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। इमेजरी होती क्या है, हमारी इंद्रियों को, हमारी पांच इंद्रियां हम सब जानते हैं, इनको जो भी चीज अपील कर जाती है, प्रभावित कर जाती है, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। देखिए पांच क्या है, साइट देखना, देखते कैसे, आंखों के जरिए, सुनना साउंड ईयर के जरिए, टच छूना स्किन के जरिए, हमारे टच से फील होता है, टेस्ट स्वाद टंग के जरिए, जैसे आपने बोला नींबू और लेमन याद करते मुंह अपने आप ऐसा बन जाता है, वो स्वाद आ जाता है, या मैंने कहा कॉफी और आपकी नाक यहाँ पे जागृत हो जाते हैं, आपको अरोमा आने लगता है, खुशबू आने लगती है, रियल में नहीं है लेकिन उस एक शब्द को पढ़ने से आप वो महसूस कर पा रहे हैं, उसे आप स्वाद ले पा रहे हैं, उसको आप सुन पा रहे हैं, उसको आप देख पा रहे हैं या आप उसे सूंघ पा रहे हैं, ये सारी होती है इमेजरी। तो जब भी आप कोई शब्द पढ़ो और उसे पढ़ते अगर आपके दिमाग में उससे संबंधित उसे आप फील कर पाओ किसी भी रूप में, इन चारों पांचों रूप में, तो वो होगी इमेजरी। तो अगर हम इस पोएम की बात करें तो इसमें भी खूब सारी इमेजरी है। जब भी आप इसे पढ़ रहे हो तो आपके जिन भी वर्ड्स को आपने पढ़ा, लव, आपके दिमाग में प्यार आया, जैसे आपने पढ़ा फ्लोरा, आपको एक गॉडेस नजर आई, जैसे रोज, तो रोज आपकी आंखों के सामने बन गया, जैसे मैंने बोला डिलीशियस एज रोज, तो आपको याद है उस समय ऐसे किया था मैंने क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ गया था, तो ये टेस्ट मुझे आया उसका, फाइन। इन सब को हम क्या बोलते हैं, इमेजरी। ओके, अब राइम स्कीम की बात कर ले, क्योंकि हम पहले जान चुके हैं पेट्रार्कन सोनेट है और पेट्रार्कन सोनेट एक फिक्स्ड राइम स्कीम को लेता है, याद है आप लोगों को, तो फिक्स्ड राइम स्कीम क्या होती है अब आप जान ले। देखिए सबसे पहले हमारे पास होता है ऑक्टिव, हमने पढ़ा आठ लाइन होती है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। ऑक्टिव को भी दो पार्ट्स में बांटा जाता है, क्वार्टरेन। क्वार्टरेन का मतलब क्या होता है, क्वार्टर, क्वार्टर मतलब फोर, तो क्वार्टर मतलब जो चौपाए होते हैं, आपने हिंदी में सुने होंगे, है ना, उसे हम बोलते हैं क्वार्टरेन्स। तो यहाँ पे ए बी पहला, दूसरा भी ए बी बी सी, तीसरा सी डी और तीसरा है डी सी, फाइन। तो ये होती है हमारी राइम स्कीम, ए बी बी ए बी बी सी डी और डी सी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, सो स्टेप्स ऑफ राइटिंग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यू हैव टू राइट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आखिर है क्या और इसे कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसके स्टेप्स है, देख लीजिए, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट के बारे में लिखेंगे आप, कॉन्टेक्स्ट संदर्भ कहां से ली गई है ये लाइंस, ये पंक्तियां, और उसको एक्सप्लेन करेंगे। और अभी हमने पढ़ा क्रिटिकल कमेंट्स कैसे लिखते हैं, वैसे ही लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं शुरू में ही, तोरुदत्त की डिटेल्स, उनका जन्म के बारे में आप लिख सकते हैं, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में लिख सकते हैं, उनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में आप लिख सकते हैं। जब कॉन्टेक्स्ट की बारी आ रही है तो आपको बतानी है एग्जाम में कि ये जो आपने चार लाइंस दी हैं ये कौन से पोएट ने लिखी हैं और कौन सी पोएम की है, इसे हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने मान लीजिए चार लाइंस हैं, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर विच कैन बिकम द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ ऑल द फ्लावर्स। अब इसे आपको यहाँ पे रेफरेंस देना है, तो देखिए रेफरेंस कैसे दिया है मैंने, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है, द अबाउ लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम द लोटस कंपोज बाय पोएटस तोरुदत्त। ठीक है, आपको इसे बताना है कि तोरुदत्त ने जो पोएम लिखी द लोटस, उसमें से लाइंस ली गई हैं। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इट इज अ फैंसीफुल पिक्चर, इन कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन द जस्ट ऑफ द थीम, जो थीम है उसका एक छोटा सा सार आपको बताना होता है। तो फैंसीफुल पिक्चर है मेड ऑफ वर्ड्स प्रेजेंटिंग बिफोर अस द गॉड ऑफ लव,
गॉड ऑफ लव की एक क्वेस्ट है, उसे जानना है किसे, हु कैन बी द लवलीएस्ट फ्लावर, और इसके लिए जो राइवल्स हैं वो कौन कौन है, वो है हमारे रोज एंड लिली. ओके, सो उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन लिखना, और एक्सप्लेनेशन में यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन द होल पोयम, बट यू ओनली हैव टू लिमिट योरसेल्फ टू द फोर लाइंस व्हिच आर गिवन इन योर एग्जाम. आपको पूरी पोयम को एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम में जो चार लाइन पूछी गई हैं उनको डिटेल में इस तरह से एक्सप्लेन करके आना है. देखिए, दीज आर दी ओपनिंग लाइन्स, आप बता सकते हैं शुरुआती लाइन्स हैं, तोरू दत्त ने लिखी हैं, लोटस से ली गई हैं. गॉड ऑफ लव जो है वो गॉडेस ऑफ वेजिटेशन फ्लोरा के पास जा रहे हैं और उनसे एक फूल मांग रहे हैं जो कि सबसे लवली फ्लावर, जो कि सबसे क्वीन बनने के लायक हो. फिर और डिटेल में उसे मैंने बता दिया. फाइन, द पोएटस सेज दैट देयर हैव बीन टू राइवल्स, दो राइवल है यहाँ पे क्लेमिंग फॉर द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ ऑनर फॉर अ लॉन्ग टाइम. दीज टू राइवल्स आर व्हाइट लिली, कौन कौन है, व्हाइट लिली है जो सिंबल ऑफ प्योरिटी है, इनोसेंस है, और रेड रोज है विच इज सिंबल ऑफ लव एंड फ्रेशनेस. इस तरह से आपने इसे डिफाइन कर दिया. ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर नोइंग व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोटस इन इंडियन कल्चर. एंड एज वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो दैट तोरू दत्त वॉज अ बेस्ट एग्जाम्पल हु रोट द ब्लेंड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर. फाइन, सो वी हैव सीन दैट दीज कैरेक्टर्स दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी बट एट द सेम टाइम इट डिपिक्ट्स द इंडियन कल्चर ऑल्सो. अब भारतीय संस्कृति इसमें कैसे नजर आती है आप देख सकते हैं, हमारी गॉडेस है और इनके चरणों में आपको कमल का फूल दिखा होगा. तो ये सरस्वती माँ है और अक्सर हमने इन्हें हमेशा कमल पे ही बैठे हुए देखा है. तो फ्लावर ऑफ सिग्निफिकेंस बोथ टू इंडियन एंड हिंदू गॉड एंड गॉडेस. तोरू दत्त का जो अफेक्शन था इंडियन फ्लावर्स के साथ वो नजर आता है, और हिंदू रिलीजन जो है उसकी कहीं ना कहीं झलक आपको इसमें देखने को मिलती है, उन्हीं के गॉड गॉडेसेस हैं. And as Toru Dutt was brought up and educated abroad, she always turned to classical mythology to establish her stand. क्योंकि बहुत अच्छा स्कोप मिला, बहुत ही रिनाउंड जगह पे रही और बहुत ही अच्छे क्लासिकल लिटरेचर्स को इन्होंने पढ़ा है, इसीलिए क्लासिकल लिटरेचर्स की झलक इनकी राइटिंग स्टाइल में भी देखने को मिलती है. तो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर एबल टू नॉट ओनली अंडरस्टैंड बट ऑल्सो क्रिटिकली एनालाइज द पोयम द लोटस रिटर्न बाय तोरू दत्त. आई होप यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी प्रॉब्लम नाउ, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, फाइंड आवर यूट्यूब चैनल दैट इज परिष्कार वर्ल्ड. एंड एज आई स्टेटेड यू अर्लियर दैट इफ यू रियली लाइक आवर वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द फ्यूचर अपडेट्स ऑल्सो. सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, लेट्स कॉल इट अ डे. Thank you so much. सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें.